क्या आपका हाथ पैर में झुंझुनाहट हो रहा है, दर्द हो रहा है और चुभन जैसा महसूस होता है? सुबह बिस्तर से उठने के बाद आपको पीठ में, कमर में, हाथ पैर में दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसा जान ही नहीं बचा, चलने में प्रॉब्लम, खड़े होने में प्रॉब्लम और बैठने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्या करें? आप जैसे तैसे करके डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर दूसरा दवाई का साथ साथ नासों को स्ट्रॉन्ग करने के वाला दवाई लिखा है। नमस्कार, मैं सुरंजन कुंडू, आपका हम सफर और फार्मासिस्ट। आज नासों को स्ट्रॉन्ग करने वाला, नासों को ताकत देने वाला के लिए तीन अलग अलग मेडिसिन बताएंगे, इसलिए इस वीडियो काफी फायदामंद और वैल्यूएबल होने वाला है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका साथ साथ दूसरा भी लाभ उठा सके। पहला वाला मेडिसिन तो बहुत ही पॉपुलर और डॉक्टर का पसंदीदा बना हुआ है, दूसरा वाला भी लाजवाब है और तीसरा वाला का तो क्या कहना है। पहला वाला है न्यूरोकाइन फोर्ट जेड टैबलेट, जो कि मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा बनाया गया। 15 टैबलेट का कीमत है ₹127, जो हर केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। ना मिलने का स्थिति में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी घर बैठे और डिस्काउंटेड रेट पे मंगा सकते हो। आप पूछोगे न्यूरोकाइंड फोर्ट जेड टैबलेट का यूज क्या है, किस किस बीमारी में कौन कौन लोग ले सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले जान लीजिए, न्यूरोकाइंड फोर्ट जेड टैबलेट एक मल्टीविटामिन और मिनरल्स का एक सप्लीमेंट है, जो कि अगर आपको कोई खाने पीने में पोषण का कमी हो जाता है तो अब उसको पूरा करते हैं। खाना पीना बराबर ना मिलने का कारण, विटामिन्स का डिफिशियंसी का कारण, मिनरल्स का डिफिशियंसी का कारण, आपको खास करके विटामिन B12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कमी के कारण आपका हाथ पैर में सुनपन आ जाता है, झुंझुनाहट महसूस होता है, कारण जैसा महसूस होता है, पैर में ऐसा चुभने जैसा महसूस होता है, तो उसके लिए डॉक्टर इस टाइप का टैबलेट लिखते हैं। आपको तंत्रिका संबंधी विकार हो जाए, दर्द हो जाए, नसों बंद हो जाए, तब भी इस टैबलेट को दिया जाता है। ऐसा लगता है जी भाई हमारा नस ब्लॉक हो गया है, तब भी डॉक्टर खास करके इस टैबलेट को जरूर दे। आपको विटामिन बी का कमी हो गया, खास करके B12, B6, B3, B9, तब भी ये टैबलेट इस्तेमाल होता है। आपको गाठिया और साइटिका का दर्द हो रहा है तो दूसरा दवाई का साथ साथ इस टैबलेट को भी दिया। खाली इतना ही नहीं, आपका जनरल वीकनेस हो गया, डाइजेशन में समस्या हो रहा है, आपको खाना बराबर पच नहीं रहा है, तब भी दिया जाता है। आपको इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करना है। खाली इतना ही नहीं, आपका शारीरिक और मानसिक दोनों काम के लिए इस टैबलेट बहुत बढ़िया काम करता है। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। फार्मासिस्ट कुंडू जी चैनल पे नए हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। और जिसने सब्सक्राइब किया है थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी आप पूछोगे इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, इसका ज्यादा तो साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मितली और नहीं तो उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, जीभ में मेटालिक स्वाद हो सकता है, पेट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को लूज मोशन हो जाता है। इस टाइप का समस्या अगर है ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। आप 1-2 सब्जी ज़्यादा खा लीजिए और थोड़ा सा पानी का पीने का जो मात्रा है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर इस टैबलेट लेने का बाद आपको असोजोस महसूस हो, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाए, सांस लेने में तकलीफ हो जाए, सर में भयंकर दर्द हो, असहनीय दर्द और सारा शरीर में चकिता चकिता हो जाए, तो आप इस टैबलेट को तुरंत बंद करें और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से जरूर कंसल्ट। क्या है, जिसका उम्र है 16 से लेकर 50 साल का बीच में है, चाहे वो जेंट्स हो और लेडीज हो, तो रोजाना सुबह नाश्ता का बाद एक टैबलेट दिया जाता है। और जो उससे छोटा है उस बच्चे के लिए आप न्यूरोकाइन सिरप दे सकते हो, जिसके लिए आप प्लीज ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। अगर आप बोलोगे जो 50 साल का ऊपर है वो क्या करेंगे, अगर उसका शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो
एक ले सकते हैं, नहीं तो आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे इसका कॉम्पोजिशन भी बता दीजिए। इसमें जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट है 61.8 मिलीग्राम, विटामिन B12 1500 माइक्रोग्राम, विटामिन B6 है 3 मिलीग्राम, विटामिन B9 1.5 मिलीग्राम, नियासिनामाइड 50 मिलीग्राम और क्रोमियम 50 माइक्रोग्राम है। अभी आ जाता है दूसरा मेडिसिन के बारे में। दूसरा मेडिसिन है पॉलीवाइन LC सिरप, जो कि 250 ml का बोतल यानी सिरप में उपलब्ध है और उसका कीमत है 165 रुपीस। ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल द्वारा बनाया गया बहुत ही बढ़िया मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स वाला सिरप है, जो कि हर केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। ना मिलने का स्थिति में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी डिस्काउंटेड रेट में और घर बैठे मंगा सकते। पॉलीवाइन LC सिरप का क्या यूज है? आपको अगर विटामिन्स का मिनरल्स का कमी हो गया, डिफिशियंसी हो गया, तब भी डॉक्टर ये सिरप देते हैं। आपको जनरल वीकनेस हो गया है, हाथ पैर में दर्द होने लगता है, कंपन हो जाता है, शरीर में चुभन जैसा महसूस होता है, आपको झुनझुनाहट होता है, तब भी ये सिरप दिया जाता है। ये छोड़ के आपको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, आप बार बार बीमार पड़ रहे हो उससे रिकवरी जल्दी जल्दी करना है, तब भी ये सिरप दिया जाता है। आपको भूख नहीं लग रहा है, आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, डाइजेशन संक्रांत प्रॉब्लम है, तब भी ये सिरप दिया जाता है। खाली इतना ही नहीं, ये रेड ब्लड सेल्स को जो प्रोडक्शन है उसमें भी मदद करते हैं, और आपका जो लंग से जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है इसमें भी काफी हेल्प करते हैं। आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये काफी सपोर्ट करते हैं। ये आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आप बोलोगे भाई इसका डोज क्या है? जिसका उम्र 16 से लेकर 50 साल का बीच में है, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, वो 7.5 ml सुबह नाश्ता का 20 मिनट बाद और शाम को कुछ खाने का बाद 7.5 ml लेंगे, यानी BD लेंगे। और जिसको उम्र 11 से लेकर 15 साल का बीच में है, वो 5 ml BD लेंगे कुछ खाने का बाद। और जिसको उम्र है 5 साल से लेकर 10 साल का बीच में है, वो 3 ml लेंगे BD यानी खाने का बाद। और जिसको उम्र है 2 साल से लेकर 5 साल का बीच में है, वो सिर्फ 2 ml लेंगे BD। और इससे छोटा बच्चे के लिए आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अभी जिसका शुगर का अगर प्रॉब्लम है तो कृपया करके इस सिरप ना लेके वो न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल ले सकते, जिसके लिए ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें पूरा जानकारी मिल जाएगा। आप पूछोगे इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें पाइरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, निकोटिनामाइड है, साइनोकोबालामाइन भी है, लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड है, सॉर्बिटल सॉल्यूशन है, और थर्ड वाला आ जाता है A2Z गोल्ड कैप्सूल। एल्केम लेबोरेटरीज द्वारा बनाया गया 15 कैप्सूल का कीमत है 199 रुपीज, जो कि हर केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। ना मिलने का स्थिति में नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी डिस्काउंटेड रेट पे एंड घर बैठे मंगा सकते हो। आप पूछोगे A2Z गोल्ड कैप्सूल का यूज क्या है, कौन कौन ले सकते हैं, कौन कौन बीमारी में ये इस्तेमाल होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। जिसको ऑलरेडी थकान हो गया है, कमजोरी हो गया है, विटामिन बी का कमी के कारण हाथ पैर में दर्द होता है, कंपन होता है, झुनझुनाहट महसूस होता है, सुई जैसा चुभन होता है हाथ पैर में, उठने बैठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, खड़ा होने में दिक्कत होती है, उसके लिए कैप्सूल बहुत ही बढ़िया काम कर। ये आपका शारीरिक जो ऊर्जा है, एनर्जी लेवल, उसको बनाए रखते हैं, आपका इम्यूनिटी पावर को बहुत बूस्ट करके रखते हैं, बहुत बढ़ा के रखते हैं, ताकि आप बीमारी ना पड़ो। अगर बीमार पड़ भी जाए तो जल्दी जल्दी आपका रिकवरी हो जाए। आपको घाव भर नहीं रहा है, काफी टाइम लगा रहा है, तो दूसरा दवाई का साथ साथ कैप्सूल देने में आपको बहुत फायदा नजर आता है। आपको बाल गिर रहा है, आंखों कमजोर हो गया है, स्किन ढीला पड़ गया है, स्किन में शाइनिंग चाहिए, तब भी ये कैप्सूल बहुत बढ़िया काम करते हैं। खाली शारीरिक ही नहीं, आपको मानसिक शक्ति भी इसको स्ट्रांग बना देते हैं, आपको सेल डैमेज नहीं होने देते, आपको जो नया सेल अगर प्रोडक्शन करना है तब भी ये मदद करते हैं। तो आप बोलोगे इसका डोज क्या है? जिसका उम्र 16 से लेकर 50 साल का बीच में है, चाहे वो लेडीज हो और जेंट्स हो,
वो रोजाना सुबह नाश्ता का बाद और ज्यादा से ज्यादा लंच का बाद एक कैप्सूल ले सकते हैं, और जिसको उम्र उससे छोटा है वो इस कैप्सूल को ना ले, उसका जगह में पॉलीबायन एलसी सिरप ले सकते हैं। उसके लिए ये वाला वीडियो देख लेना, पूरी जानकारी मिल जाएगा। और जिसका उम्र उससे बड़ा है, अगर उसको ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल है तो रोजाना एक ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। क्या कॉम्पोजिशन है इसमें? अल्फा लिपोइक एसिड 30 मिलीग्राम है, डीएचए 80 मिलीग्राम है, ईपीए 90 मिलीग्राम है, इसमें जिंक है, सेलेनियम है, क्रोमियम है, विटामिन सी 25 मिलीग्राम है, विटामिन ई 8 मिलीग्राम है, बीटा कैरोटीन 2.4 मिलीग्राम है, विटामिन बी6 1.5 मिलीग्राम है, विटामिन बी1 0.8 मिलीग्राम है, फोलिक एसिड 60 माइक्रोग्राम है और विटामिन बी12 0.6 माइक्रोग्राम है। आपको तीनों में से कोई एक दवाई लेना है, तीनों नहीं लेना है। आशा करता हूँ आपको सारे इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। हमारा और एक चैनल है हेल्थ रिलेटेड हेल्दी माइसेल्फ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाए और लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियो पाए। और आपका स्वास्थ्य हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। कई लोग बोलते हैं भाई हमारा लिवर का प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी जानना चाहिए, तो प्लीज आप राइट वाला वीडियो देख लेना। कई लोग बोलते हैं जो भाई आयरन का कमी है तो कोई वीडियो है तो बताइए, तो लेफ्ट वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।